इलाके में प्रेमी के साथ अवांछित तरीके से लिपटी नाबालिग बेटी को देखकर पिता आहत हो गए। उनकी समझाइश के बाद नाबालिग ने आरोपी प्रेमी द्वारा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की जानकारी दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना शनिवार 2 नवंबर को तड़के 5 बजे के दरमियान हुई। 13 वर्षीय नाबालिग 7वीं कक्षा की छात्रा है, जबकि आरोपी मूलतः गोंदिया निवासी श्रावण चगरलाल राउत बताया जा रहा है। वह पिछले कुछ साल से अजनी इलाके के एक डेकोरेशन व्यवसाय के पास काम करता है। इसी बस्ती की नाबालिग छात्रा के स्कूल जाने के दौरान श्रावण उसका पीछा करने लगा था। इसके बावजूद छात्रा के घर के सामने ही बैठने लगा था। कुछ दिन पहले उसने छात्रा के घर कोई नहीं होने पर उससे बातचीत करके प्रपोज किया। छात्रा के नाबालिग होने का पता रहने के बावजूद उसे शादी करने का झांसा दिया। इसके बाद से श्रावण वेतन मिलने पर छात्रा को फिल्म दिखाने और होटल लेकर जाने लगा। 1 नवंबर की रात माता पिता के गहरी नींद में सोने के बाद छात्रा 1 बजे श्रावण के साथ बाइक पर घूमने के लिए गई। वहां से तड़के 5 बजे घर लौटने पर अचानक छात्रा के पिता की नींद खुल गई। बेटी को एक युवक के साथ अवांछित तरीके से लिपटी देख पिता आहत हो गए। में छात्रा ने युवक द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने की जानकारी दी। इसके बाद फिरियादी की शिकायत पर अजनी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2) सहधारा 4, 6, 8, 12 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच अजनी पुलिस कर रही है। हमारे पास एक कंप्लेंट आई। कंप्लेंट ने आने के बाद बताया कि उनकी जो बेटी है, बेटी के साथ एक घृणास्पद हरकत हुई है। तो ऐसी जानकारी डे ऑफिसर ने, जो नाइट ऑफिसर थे, उन्होंने तत्काल हमें दी। तत्काल जानकारी मिलते ही हमने हमारे तपास पथक के जो तपास पथक के नितिन सोमकुंवर, उसके बाद प्रकाश गाड़ेकर और अश्विन सहारे, इन लोगों को तत्काल फ़ोन किया और आरोपी अभी के अभी मिलना चाहिए ऐसी उनको सूचनाएँ दी और आरोपी के पूरे डिटेल दिए गए। तो उस हिसाब से आरोपी का नाम जो फिरियादी ने हम लोगों को बताया था, तो आरोपियों को कुछ ही मिनटों में हम लोगों ने धर दबोचा। आरोपी का पूरा नाम था श्रावण छगनलाल राउत, उम्र 26 साल और ये चिरामन टोला गोंदिया जिले का रहने वाला था। और अभी फिलहाल वो जो संस्कृति कैटरर्स है वहाँ पर डेकोरेशन का काम करता था। तो फिरियादी जब पुलिस स्टेशन में आई, उसने बताया कि उनकी बेटी के साथ दिन तारीख 2/11/2024 को एक बाजू में उनके घर के लाइन के बाजू में एक संस्कृति कैटरर्स है, वहाँ पे काम करने वाला जो आरोपी है श्रावण छगनलाल राउत, इसने इसके बहुत दिनों से इसका बातचीत उस पीड़ित के साथ शुरू थी। तो बातचीत के बाद रात में 1/11/2024 को रात में आरोपी आया। आरोपी ने फिरियादी के मोबाइल पे फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद जो पीड़ित थी उसको बाहर बुलाया। आरोपी और पीड़ित बाहर घूमने जाने वाले थे लेकिन पीड़ित ने मना किया। तो मना करने के बाद आरोपी उसको अपने जो कैटरर्स का जो घर है वहाँ पे एक रूम में लेकर गया, वहाँ पे उसके साथ घिनौनी हरकत की। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होते ही हम लोगों ने तपास पथक को एक्टिव करके आरोपी को कुछ ही मिनटों में धर दबोचा है और गुना दाखिल करते हुए आगे की कार्रवाई की गई है और आरोपी का 3 दिन का PCR प्राप्त हुआ है। नागपुर शहर पुलिस द्वारा बहुत से उपक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें हमारे माननीय जॉइंट CP मैडम दुर्जे मैडम ने बहुत से पुलिस काका पुलिस दीदी इस उपक्रम पर बहुत जोर दिया था। इस सिलसिले में हमारे परिसर में 36 स्कूल है, उन 36 स्कूलों में हम लोग रोटेशन वाइज हम लोग प्रॉपरली प्रोग्राम ले रहे हैं और जो बच्चियां और बच्चे हैं इन सब लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि अभी जो आपकी कच्ची उम्र है इस उम्र में आपको पढ़ाई पे ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों के वजह से बच्चों के मनों पर गंभीर परिणाम हो रहे हैं। हमारी कोशिश निरंतर शुरू है, इस बारे में हमारा प्रयास शुरू है कि हम लोग बच्चों को इस सब चीज़ों से अवगत करा रहे हैं कि अभी आपकी उम्र नहीं है ये सब करने की। लेकिन बच्चे बहकाव में आकर और ये सब कदम उठा रहे हैं जिसके वजह से उन बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। तो इस तरह हमारा निरंतर प्रयास शुरू है और निरंतर हमारा प्रयास चलता रहेगा।